उत्तराखंड में डेमोग्राफिक चेंज का मुद्दा गरमाया हुआ है। मामले को लेकर सूबे में जमकर सियासत हो रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का डेमोग्राफिक चेंज पर बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि जब पिछले 20 से 25 सालों से धर्म के आधार पर जाति जनगणना नहीं हुई तो कहां से डेमोग्राफिक चेंज के आंकड़े आए। राजनीति लाभ लेने के लिए इस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि रोजगार की तलाश में गांव के गांव खाली हो रहे हैं, लेकिन सरकार असल मुद्दों से ध्यान हटाकर धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही है। उत्तराखंड से स्टेट हेड अवनीश जैन की रिपोर्ट। मैं खुद कह रहा हूं, अभी आपके संपर्क सामने मैंने कहा कि पलायन हो रहा है। मेरे गांव के लोग शहरों की ओर को आ रहे हैं नौकरियों की तलाश में, अपने बच्चों के एजुकेशन और हेल्थ के चक्कर में। गाँव खाली हो रहे हैं और शहरों में दबाव बढ़ रहा है, और केवल ये लैंड जिहाद, लव जिहाद, मंदिर, मस्जिद, मजार और फिर अब यूसीसी और अब ये डेमोग्राफिक चेंज एक नया वर्ड लाया गया। और मैं जानता हूँ भारतीय जनता पार्टी की दुर्दशा हो रही है और वो